हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने थर्माकोल का मोटर बोट बनाया है जो कि काफी हाई स्पीड बोट है। चलिए फटाफट देखते हैं ये आखिर बनता कैसे। तो फ्रेंड्स, इस बोट को बनाने के लिए हम थर्माकोल यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे कोई सा भी थर्माकोल यूज कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मोटा थर्माकोल लो, ताकि ये बोट काफी अच्छा बनेगा और बोट का शेप भी काफी अच्छा आएगा। चलिए हम बोट का शेप बना लेते हैं सबसे पहले। तो आगे के हिस्से को आपको फ्रेंड्स इस तरीके से काटना है, ताकि बोट हमारा एकदम शार्प टाइप का हो जाए और ये पानी को काटते हुए एकदम आगे बढ़ेगा, तो हमारा बोट हाई स्पीड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम दो टुकड़े ज्वाइंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी थर्माकोल लंबी है तो एक ही टुकड़े में हो जाएगा काम। अब हमें यहाँ पे होल करने होंगे। कुछ इस तरीके से आपको होल करने हैं फ्रेंड्स, और इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। और ये है फ्रेंड्स पेन का खोल जो हम इसमें लगाने वाले हैं। तो ये फिट हो चुका है। और ये डीसी मोटर फ्रेंड्स जो हम इसमें लगाएंगे, तो डीसी मोटर में हम पेन का रिफिल लगाने वाले हैं, ताकि ये एकदम लंबा हो जाएगा, इसका शाफ्ट काफी लंबा हो जाएगा। और जो वहाँ पे मैंने पेन लगाया है, पेन का खोल, उसमें से आर पार हो जाना चाहिए। तो देख सकते हो हम इस मोटर को यहाँ सेट कर देंगे और ये आर पार हो जा रहा है। थोड़ा सा इसे हम और गड्ढा कर देंगे ताकि हमारा मोटर यहाँ फिट हो जाए। और मैंने मोटर को फिट कर दिया फ्रेंड्स। अब हम एक स्टिक लेंगे और इसे हम आगे के शाफ्ट में लगाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो रहा था और ये नुकीला भी है, तो इसमें हमारी प्रोपेलर आराम से आ जाएगी। तो अब हमें प्रोपेलर बनाने हैं फ्रेंड्स बोट के लिए। तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा मैंने ले लिया है जो कि मोटा है, और इसे प्रोपेलर आराम से बन जाएगा। तो इसे हम राउंड शेप में पहले काट लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने काट लिया है। और आपको बीच में एक होल बना लेने हैं, छोटी सी होल बनानी है फ्रेंड्स। और कुछ इस तरीके से चार हम यहाँ पे कट लगाने वाले हैं। तो मैंने चार कट लगाया है और इस तरीके से आपको मोड़ देना है, जो हमारी प्रोपेलर के शेप में आ जाएगी और ये पानी को काटेगी, पानी को पीछे ढकेलेगी और हमारी बोट आगे के साइड चलेगी। तो वो मैंने एक स्टिक का टुकड़ा लगाया था, उसमें मैंने प्रोपेलर को ऐसे फंसा दिया है और धागे से बांध दूंगा ताकि ये प्रोपेलर इसमें फिट हो जाए। और देख सकते हो फ्रेंड्स, बनने के बाद बोट कुछ ऐसी दिखती है। मैंने यहाँ पे मोबाइल बैटरी का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी पावरफुल होती है और काफ़ी हल्की होती है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बोट कितनी मस्त तरीके से चलती है यार, और काफ़ी हाई स्पीड है और काफ़ी स्मूथली चलती है फ्रेंड्स, और ये बनाना काफ़ी आसान है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट पाने के लिए। तो मिलता है अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।